सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बेसहारा व्यक्तियों को हर माह पेंशन दी जाती है ताकि उनकी खाद्य सुरक्षा बनी रहे। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को जिनकी आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं है उन्हें हर माह 600 रुपये मिलने का प्रावधान है। लेकिन रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत लोपमटंडी गांव की सुनीता तिर्की के जैसे अन्य 4 ऐसे लोग हैं जो इस लाभ से वंचित हैं। यह समस्या हमारे समुदाय में प्रखंड विकास पदाधिकारी की लापरवाही के कारण मौजूद है। मैं बसंती सोरेन और ये है मेरा समुदाय। आपके पति के मरे हुए कितने साल हो गए हैं? 8 साल हो गए। आपको विधवा पेंशन मिलता है? नहीं। कितना बार फॉर्म भरे विधवा पेंशन के लिए? हम भरे हैं 2 बार पर गया, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। आपके बच्चे कितने हैं? मेरा बच्चे 1 तो है। तो आप लोग कैसे ये करते हैं घर चलाने के लिए, कैसे राशन पानी सब कैसे जुगाड़ करते हैं? जो जो मिल रहा है राशन ना, वही तरफ से मिल रहा है, वही से काम कर रहे हैं। तो घर में जो घर में घूम घूम के रहते हैं, और जो घर में काम करने का है वही काम कर रहे हैं, गृहस्थी जो चल रहा है वही। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार जो हमको चालू किया है, सब दुनिया में चला रहा है, वही हम खोज रहे हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सुनीता तिर्की एक गरीब परिवार से आती है। उनको अपना जीविकोपार्जन के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि संबंधित पदाधिकारी प्रखंड मांडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी जय कुमार राम को उनके मोबाइल नंबर 8084383406 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि सुनीता तिर्की जैसे अन्य 4 लोगों को भी जल्द से जल्द विधवा पेंशन मिल सके। मैं बसंती सोरेन, जिला रामगढ़, झारखंड से, इंडिया अनहद के लिए।